हेलो गाइस, टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो CCL सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड, जो कि एक मिनरल रत्न कंपनी है, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। इसमें असिस्टेंट फोरमैन, इलेक्ट्रीशियन और भी तमाम रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई है, जिसमें कि 10th ITI डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं क्या होने वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या सिलेक्शन प्रोसेस, अप्लीकेशन फीस क्या होने वाली है, एग्जामिनेशन सेंटर्स क्या होने वाले हैं। हमें CCL की ऑफिशियल साइट पर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डायरेक्ट आप इस साइट पर आ जाएंगे। जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलता है व्हाट्स न्यूज। तो व्हाट्स न्यूज में सबसे पहले नंबर पे आपको देखने को मिलेगा एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर SC ST OBC। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि UREWS के लिए कोई भी सीटें नहीं रखी गई हैं, केवल SC ST OBC के लिए टोटल 330 सीटें रखी गई हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही वहाँ पर क्लिक करेंगे आप एम्प्लॉय जोन में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं। अप्लाई हियर पर क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हैं और यहाँ से भी फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। हमने अप्लाई हियर पर क्लिक करके देखिए अब देख सकते हैं। उसके बाद आप टू रीड एडवर्टाइजमेंट, यहाँ से एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं। की डेट यानी कि जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन है 30 मार्च 2023 से 11 बजे से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट आपकी 19 अप्रैल 2023 होने वाली है। लगभग आपको 20 दिन का समय मिलने वाला है। तो हम यहाँ पर क्लिक करके टू रीड एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं। जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हैं, हमने वहाँ पर क्लिक करके PDF डाउनलोड कर लिया। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर SC ST OBC। पद का नाम है माइनिंग सिरदार। ग्रेड आपका TNS ग्रेड C का रहेगा। मूल वेतन 31,852.56 रुपये पर मंथ होने वाली है। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC नॉन क्रिमिलियर के लिए 5 सीटें हैं। जो भी OBC के क्रिमिलियर में हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। SC की 14 सीटें हैं, ST की 58, टोटल आपको 77 सीटें रखी गई हैं माइनिंग सिरदार में। इलेक्ट्रीशियन नॉन एग्जीक्यूटिव टेक्नीशियन की DR कैट 4th की आपकी सीटें रखी गई हैं। 1,087 रुपये पर डे के हिसाब से आपकी सैलरी हो जाएगी। OBC की 3 सीटें, SC की 29 सीटें और ST की 94 सीटें, टोटल 126 सीटें रखी गई हैं। डिप्टी सर्वेयर में भी सैलरी 31,852 रुपये होने वाली है। 20 सीटें ST की रखी गई हैं। असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल की 31,852 सैलरी होने वाली है। 7 सीटें OBC की, 23 SC की और 77 ST की, 107 सीटें रखी गई हैं। टोटल 330 रखी गई हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड दियर मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन 19/4/2023 तक। 19/4/2023 से जो भी डिप्लोमा ITI किए हुए हैं उनका हो जाना चाहिए। कट ऑफ डेट फॉर एक्सपीरियंस एंड एज 19/4/2023 के अनुसार से काउंट की जाएगी। मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं माइनिंग सिरदार में, तो आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक्स या उसके समकक्ष है। उसके बाद आपके पास कोयला खान अधिनियम 2017 के अंतर्गत खान सुरक्षा महानिदेशालय से स्वीकृत मान्य माइनिंग सरदार का प्रमाण पत्र है, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अन्य प्रमाण पत्र जो कोयला खान अधिनियम 2017 के अंतर्गत माइनिंग सरदार के कार्य के लिए स्वीकृत हो। उसके बाद मान्य गैस परीक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए और उसके बाद मान्य प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र होना चाहिए। या फिर आपने 3 ईयर का डिप्लोमा करके रखा है माइनिंग से, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायर्ड है। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। मैट्रिकुलेशन या फिर उसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन विद ITI इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए और आपके पास 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए 1961 के अंतर्गत। मस्ट हैव कंप्लीटेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग। उसके बाद आपके पास भारतीय विद्युत नियम के अंतर्गत खदानों के लिए LT यानी कि लो टेंशन परमिट या 440-550 वोल्ट माइनिंग पार्ट्स परमिट खदानों के लिए लागू हो और जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, और HT परमिट केबल ज्वाइनिंग हो। ये सारी चीज़ें हैं, अप्लाई कर सकते हैं। डिप्टी सर्वेयर के लिए देख सकते हैं, किसी भी मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक या उसके समकक्ष के साथ कोयला खान में कार्य करने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा प्राप्त खान सर्वेक्षण का प्रमाण पत्र होना चाहिए। असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से, और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजिप सर्टिफिकेट वैलिड फॉर माइंस होना चाहिए। 2 चीज़ें आपके पास रिक्वायर्ड है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए वैलिड फॉर माइंस के लिए।
एज लिमिट्स के बारे में बात करें तो 18 साल मिनिमम होनी चाहिए, 35 साल SC ST वालों के लिए और 33 साल OBC नॉन क्रिमिलियर वालों के लिए रखी गई हैं। जो भी कैंडिडेट OBC से बिलोंग करते हैं नॉन क्रिमिलियर को, उनको 200 रुपये अप्लीकेशन फीस के रूप में देना है और SC ST वालों के लिए कोई भी अप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो सिलेक्शन ऑफ द ऑल पोस्ट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द CBT। CBT कब होगा, इसका रिजल्ट कब आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग, ये सारी जगह में आपको एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिल जाएंगे। जो आपका CBT है 100 मार्क्स का होने वाला, 50 क्वेश्चन होंगे आपके, पूरे रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन से होंगे। इसी में आपका सिलेबस दिया हुआ एनेक्सर फर्स्ट में, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई। अगर आप कोई भी आंसर गलत करते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 30 मार्क्स और OBC यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 36 मार्क्स रखा गया है। अब इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में बात करते हैं। सबमिशन और ऑनलाइन अप्लीकेशन ने बता दिया 30/3/2023 स्टार्ट हो गया है, 19/4/2023 लास्ट डेट होने वाली है। टेंटेटिव डेट फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड 30/4/2023 स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 4/5/2023 तक डाउनलोड कर सकते हैं। 5/5/2023 को आपका CBT कंडक्ट करा लिया जाएगा और 29/5/2023 को आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। सो गाइस, एक अपडेट देनी थी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।